गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत। अब इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ जो बात करी गई है स्प्रिंग सीजन की, स्प्रिंग मतलब होता है कि बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु आती है, नए पत्ते, नए नए कोंपलें खिलती हैं, हर जगह जो वातावरण होता है वो खुश होता है। तो वैसे ही जैसे कि हमारा चाइल्डहुड है, बचपन है, बचपन भी खुशियों से भरा होता है। बच्चे नए नए काम करते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। तो यहाँ क्या है कि गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से जो बचपन है वो खो गया है गरीब बच्चों का। तो जो हमारी स्टोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज की एक बॉय है जिसका नाम साहिबे आलम है। वो बहुत ही गरीब बच्चा है, तो वो रैग पीकर है, कूड़ा उठाता है। तो उस वहाँ जो बचपन है उसका खो गया है, गरीबी का माहौल है। तो फर्स्ट चैप्टर में गरीबी के बारे में बताया गया है, पॉवर्टी के, चाइल्ड लेबर के बारे में बताया है। और सेकंड जो हमारा पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें भी चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। तो आज हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है, सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द राइटर सीज अ बॉय नेम साहिब एवरी मॉर्निंग इन द नेबरहुड। जो राइटर है, जो एनिस जंग है, वो देखती है अ बॉय, एक लड़के को जिसका नाम साहिब है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। द बॉय लुक्स फॉर सम क्वाइंस और अदर थिंग्स इन द गार्बेज हिप्स। जो लड़का है रैग पिकर है, कूड़ा उठाने वाला है, कबाड़ी कहते हैं रैग पिकर को। तो वो उस गार्बेज हीप्स, गार्बेज होता है कूड़ा, हीप्स होता है ढेर, तो जो कूड़े के ढेर है वहां ढूंढता रहता है क्या कि सम क्वाइंस और अदर थिंग्स, कोई उसको सिक्का मिल जाए, कोई और उसकी यूजफुल चीज मिल जाए। तो वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय, एक दिन जो राइटर है, जो हमारी लेखिका है, वो बात करती है उस लड़के से। शी कम्स टू नो, उसको पता चलता है दैट दीज पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। कि उसको क्या पता चलता है कि ये जो लोग हैं माइग्रेटेड हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से वो माइग्रेट होके आए हैं। माइग्रेट मतलब कि उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म, जो उनके खेत थे, कि जो साहिब है पहले कहाँ रहता था, बांग्लादेश में रहता था, जो उनके फील्ड्स थे, खेत थे, और उनके जो होम थे, वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म, कि तूफान की वजह से वो बह गए थे। दे हैड नथिंग टू ईट, और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सो दे केम टू बिग सिटी एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि बिग सिटी में आ जाते हैं, बड़े शहर में आ जाते हैं, और वहां लिविंग देयर, रहना स्टार्ट कर देते हैं। द राइटर टोल्ड साहिब दैट ही शुड गो टू स्कूल, तो राइटर साहिब को कहती है कि उसको स्कूल जाना चाहिए। साहिब सेड दैट देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड, तो साहिब कहता है कि उसके पड़ोस में क्या है कि कोई भी स्कूल नहीं है। एट दिस, इस पर राइटर कहती है, द राइटर सेड हाफ जोकिंगली, मजाक करते हुए कहती है कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ कि क्या, तो क्या तुम आओगे। साहिब सेड, साहिब ने कहा दैट ही वुड, कि हाँ वो आएगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन अ फ्यू डेज लेटर साहिब आस्क हिम, फील स्मॉल का मतलब उसको लज्जित होना पड़ा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल, कि राइटर को, जो लेखिका है उसको लज्जित होना पड़ा। व्हेन अ फ्यू डे लेटर साहिब आस्क हिम, कि जब कुछ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद साहिब उससे पूछता है इफ योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल बन गया। इन फैक्ट द राइटर हैड नेवर मीन्ड इट, वास्तव में राइटर का ऐसा कोई मतलब नहीं था, अर्थ नहीं था कि वो कोई स्कूल बनाएगी। देयर वाज अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब, कि वहां क्या थे, जिस एरिया में राइटर रहती थी वहां बहुत सारे रैग पिकर्स थे। रैग पिकर मतलब कबाड़ी, कूड़ा उठाने वाले, साहिब की तरह। इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, द राइटर केम टू रिकोगनाइज ईच टू देम, और कुछ ही महीनों में जो जितने भी वहां कबाड़ी थे, रिकोगनाइज होता है पहचानना, कि सभी बच्चों को जो कबाड़ी, कबाड़ उठाते थे, उनको पहचानना शुरू कर दिया था लेखिका ने।
दे वर ऑल बेयर फुट बॉयज, और वो जो जितने भी बच्चे थे वो बेयर फुट थे. बेयर फुट होता है नंगे पाँव. विद सम पीपल कि जो कुछ लोग थे, इट इज अ ट्रेडिशन टू गो बेयर फुट. तो राइटर उनसे पूछती है कि आप नंगे पाँव क्यों चलते हैं, तो गरीबी की वजह से वो कहते हैं कि जो बेयर फुट चल रहा है विद सम पीपल इट इज ट्रेडिशन, कि ये हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है टू गो बेयर फुट, नंगे पाँव चलना. परहैप्स दे यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी. शायद ये भी हो सकता है कि वो एक्सक्यूज करते हैं, एक्सक्यूज होता है बहाना लगाना, टू कंसील देयर पॉवर्टी, अपनी जो गरीबी है उसको छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए. द राइटर फाइंड दैट ऑल दीज बेयर फुट रैगपिकर्स लिव इन सीमापुरी विच इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. तो राइटर को पता चलता है कि जितने भी वो नंगे पांव चलने वाले जो रैग पिकर है, कूड़ा उठाने वाले हैं, वो सीमापुरी एरिया में रहते हैं, विच इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित था जगह सीमापुरी. व्हेन शी गोज दीज देयर शी फाइंड्स दैट दीज पीपल कम फ्रॉम बांग्लादेश, कि जैसे वो वहां जाती है, सीमापुरी एरिया में जाती है, तो शी फाइंड्स उसको पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं इन 1971 में, एंड स्टार्टेड लिविंग देयर इन सर्च ऑफ फूड, और वहां रहना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने अपने भोजन की तलाश में. दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टेरोपोलिन. तो उनके जो घर थे मड से बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे, विद रूफ ऑफ टीन, और जो मिट्टी के घर थे उनकी छतें जो रूफ थी टीन के बने हुए थे, और टेरोपोलिन होता है जो तरपाल होती है उससे बने हुए थे. दे लिव हेयर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवरेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर. और वहां वो सीमापुरी इलाके में बिना किसी फैसिलिटी के, ना सीवरेज की फैसिलिटी थी, ना ड्रेनेज की थी, और ना